वेलकम टू माय क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ डेट एंड टाइम फंक्शंस गिवन हियर ए लिस्ट ऑफ ऑल डेट एंड टाइम फंक्शंस इज गिवन टू यू ऑल फंक्शंस लिस्टेड हियर आर डिस्क इन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स लेट इस्टार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं दो फंक्शंस को टेकअप करूंगा डेट एंड टूडे फंक्शन इन दोनों फंक्शंस की मदद से उंट द एज ऑफ ए पर्सन इन नंबर ऑफ डेज एक आदमी आज की डेट के अंदर कितने दिनों का हो गया है सेकेंड पॉइंट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट बर्थडे टू कम एक व्यक्ति के नेक्स्ट बर्थडे आने के लिए कितने दिन और अभी रह गए हैं हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर टेक अप करेंगे आइएगा मूव करते हैं इन दोनों पार्ट के ऊपर इस एक्सल शीट के अंदर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं काउंट द एज ऑफ ए पर्सन इन नंबर ऑफ डेज एंड सेकेंड पॉइंट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर हिज नेक्स्ट बर्थडे टू कम सो सबसे पहले तो मुझे एक व्यक्ति की एज को काउंट करना है इन नंबर ऑफ डेज तो मैं यहां पर लिख रहा हूं द बर्थडे इज ऑन सेकेंड जनवरी 1960. मैंने ये एक आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर एक डेट को ले लिया अब मुझे इस बात को डिसाइड करना है ये व्यक्ति आज के दिन के अंदर कितने दिनों का हो चुका है टोटल नंबर ऑफ डेज इंक्लूडिंग टुडे मैं इस जगह के ऊपर एक फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं दिस इज इक्वल्स टू टुडे टुडे के फंक्शन के अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते ये हमें करंट डेट निकाल के देता है मैं यहां पर माइनस कर रहा हूं माइनस डेट फंक्शन डेट फंक्शन के अंदर तीन आर्गूमेंट्स हैं ईयर मंथ एंड डे तो मैं ये तीनों आर्गूमेंट्स यहाँ पर दे रहा हूँ नाइन्टीन सिक्सटी इज द ईयर कॉमा द नेक्स्ट आर्गूमेंट इज मंथ मंथ इज फर्स्ट कॉमा द डे इज सेकेंड आई क्लोज पेरेंथिस नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर जैसी मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू आ गई ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाइन्टी फोर जिस व्यक्ति का बर्थ डेट सेकेंड जनवरी नाइनटीन सिक्सटी का है वह आज की डेट के अंदर इतने दिनों का हो चुका है दिस इज द फंक्शन वी यूज दिट हेयर द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर हिज नेक्स्ट बर्थडे टू कम नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर नेक्स्ट बर्थडे टू कम इस जगह के ऊपर मैं इस फंक्शन को ले रहा हूं डेट नेक्स्ट बर्थ डे इट विल बी इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कॉमा मंथ विल be फर्स्ट डे विल be second parenthesis क्लोज माइनस यहां पर मैं टुडे के फंक्शन को दे रहा हूं आई प्रेस एंटर जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू आ गई 282 एटी टू इट मीन्स जिस व्यक्ति का जन्मदिन सेकेंड जनवरी 1960 का है उसका नेक्स्ट ईयर के अंदर बर्थडे आने के लिए अभी 282 डेज रहते हैं दिस पर्टिकुलर फंक्शन हेयर मैं इन फंक्शंस की डिटेल भी आपको यहां पर दे रहा हूं स्टूडेंट्स जब मैं क्लास के अंदर डे टू टाइम के फंक्शंस को करवाता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है सर इनका कोई सिंपल सा यूज एक दो करके दिखा दो सो आई थिंक दैट डीज टू एग्जाम्पल्स कैन सेटिस्फाई देयर क्वेरी These are very good example and it may give some interest to other students also. मैं उम्मीद करूंगा इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप डे टू टाइम के फंक्शंस को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे थैंक यू वेरी मच